ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। ग्राम पंचायतों में खोले गए लोक शिक्षा केंद्रों पर कार्यरत प्रेरकों को मानदेय मिलने की उम्मीद एक बार फिर से जगी है। प्रेरकों का 4.5 करोड़ से अधिक मानदेय बीते 27 महीने से बकाया है। ये उम्मीद इसलिए जगी है क्योंकि शासन से ब्लॉकवार प्रेरकों के किए गए कार्यों के सत्यापन की रिपोर्ट मांगी गई है। साक्षर भारत योजना के अंतर्गत 2013 में 15 वर्ष से ऊपर के निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने के लिए जिले के हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर लोक शिक्षा केंद्र खोले गए थे, जिसमें शिक्षा प्रेरकों व ब्लॉक समन्वयकों की नियुक्ति की गई थी। प्रेरकों को 2000 वहीं ब्लॉक समन्वयकों को 6000 रुपये मासिक मानदेय निर्धारित किया गया था। योजना के तहत प्रेरकों ब्लॉक समन्वयकों ने पूरी शिद्दत के साथ काम किया, लेकिन कुछ माह का वेतन दिए जाने के बाद मानदेय रोक दिया गया और वर्ष 2018 में इस योजना को भी बंद कर दिया गया। इसके चलते किसी का 32 तो किसी का 27 माह का मानदेय अभी नहीं मिल सका। ब्लॉक समन्वयकों का प्रेरक अपने मानदेय भुगतान के लिए तमाम अधिकारियों के चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन 4 साल बाद साक्षरता वैकल्पिक शिक्षा निदेशक एवं राज्य शिक्षा मिशन प्राधिकरण सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि वह 1 महीने के अंदर प्रेरकों के कार्यों का सत्यापन करके रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। वहीं शासन की तरफ से प्रत्येक ग्राम पंचायतों का एक सर्वे भी कराया गया है, जिसमें 15 वर्ष से ऊपर जितने भी अशिक्षित लोग हैं उनका डाटा सरकार ने मंगाया है। शासन के दोनों आदेशों के बाद प्रेरकों को बकाया मानदेय मिलने की कई माह बाद एक बार फिर से उम्मीद जग गई है। जिस तरह से शासन प्रेरकों का सत्यापन करा रहा है, वहीं गाँव से अशिक्षितों की रिपोर्ट मंगा रहा है, इससे लगता है कि सरकार प्रेरकों के लिए कुछ अच्छा करने जा रही है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट NS Now।